ये लोग जब एक दफा चले गए थे वापस क्यों आ गए? मैयत लेकर आए तो निकाल देती क्या? ये जिए या मरे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। बहुत ही बेगैरत लोग हैं। और वो लड़की, उस लड़की में सेल्फ रिस्पेक्ट नामी कोई चीज ही नहीं है। धक्के देके घर से निकाला था, फिर मुंह उठाकर वापस आ गई। न जाने कैसी तरबियत है उसकी। जब बाप की मैयत सामने रखी हो ना तो कोई तरबियत नहीं देखता। और तुम्हें क्या परेशानी, अभी थोड़ी देर में ये लोग रहमत को दफना कर चले जाएंगे। अगर आ गए थे तो ठीक है, लेकिन अंदर किसने घुसने दिया? तुम्हारे शोहर की गलती ने। सुहेल ने? हाँ, सुहेल ने शकूर को भेजा था उनकी रवानगी कंफर्म करने के लिए, और वो बेवकूफ आते हुए मैयत साथ लेकर आ गया। खैर, अब दुनिया दिखावे को ही सही, तुम थोड़ी देर के लिए आ जाओ, ताजियत कर लो, मैं भी आती हूँ चेंज करके। ताजियत करती है मेरी जूती, लेकिन उन लोगों का यहाँ से फौरी जाना बहुत ज़रूरी है। कहीं माँ पारा ने मम्मी जी को सब कुछ बता दिया जो मैंने उससे रायत के बारे में कहा तो? कहा था तुमने, मैंने अल्लाह से शहजादी मांग ली, लेकिन उसके लिए महल बनाने में नाकाम रहा। नहीं अब्बा, आपने सब कुछ किया, आपने फर्ज से बढ़कर किया। तुम्हारी अच्छी तरबियत भी तो मेरा फर्ज था जो मैंने तुम्हें नहीं दी। जब ये घर से कदम बाहर निकालती थी तो मुझे इसके पैर में रस्सी बांधनी चाहिए थी। जब तुम सबक याद करने के बजाय फिल्मी डायलॉग बोलती थी तो मुझे तुम्हारे मुंह पर थप्पड़ मारना चाहिए था। अगर वो थप्पड़ मैंने उस वक्त मार दिया होता तो आज कोई मेरे मुंह पर ना थूकता, ना ही मेरे सर पर जूते मारता। ये ट्रेन निकलनी नहीं चाहिए। स्टेशन पे सोने वालों की ट्रेन नहीं निकलती। स्टेशन पे मरने वालों की ट्रेन भी नहीं छूटनी चाहिए बेटा। जनाजा उठाने का वक्त हो गया है। इजाजत दीजिए। लेकिन इनका तो कोई वाली वारिस ही नहीं है तो कांधा कौन देगा? साहब, इनका तो कोई बेटा था ही नहीं, हम ही जनाजा उठा देते हैं। 10 मुलाजिम हैं घर में, अगर एक एक भी कांधा दे देगा तो बेसहारा को सहारा मिल जाएगा। आओ सर। हट जाओ बेटा, उठाने दो हमें जनाजा। नहीं नहीं, मैं नहीं जाने दूंगी। नहीं दादी, अम्मा को लेके जाने। दादी दादी, अम्मा को लेके जाने। दादी रोके ना, दादी अम्मा को लेके जा रहे हैं। दादी Thank you.
पढ़ने वाला तो कोई है नहीं, पापा ने बिला वजह ये सब मंगवाया। अल्लाह सलामत रखे, रहमत की बेटी है ना। बेटी जुलेखा भी ना यहाँ फिल्मों के डायलॉग बोलने हैं और ना ही आशिकी माशूकी की बातें करनी है। यहाँ जो पढ़ा जाएगा वो आपकी पोती के बस की बात नहीं। दिल का हाल किसी को नहीं पता दुल्हन बेगम। बेशक दिलों का हाल तो कोई नहीं जानता, लेकिन आपके पोती के करतूत सबने देखे हैं और उन करतूतों को देखने के बाद कोई भी ये कह सकता है कि इस घर से आप लोगों को कुछ नहीं मिलने वाला। इसलिए हम चले जाएंगे इस घर से। बहुत अच्छी बात है, जितना जल्दी हो सके आप लोग यहाँ से चले जाएं। और इस घर में अब आप लोगों के लिए बचा ही क्या है? तदफीन तक का वक्त मांगा था पापा से, और जब जनाजा यहाँ से उठ ही गया है तो तदफीन तो होती रहेगी। मैं ऐसा करती हूँ, किसी से कह के टैक्सी मंगवाती हूँ, आप लोग जाने की तैयारी करें। जानती हूँ, साहब ने सिर्फ तदफीन तक की मोहलत दी थी, आप फिक्र नहीं करें, टैक्सी हम खुद ले लेंगे। मैं ऐसा करती हूँ कि आपको खुद दरवाजे तक छोड़ आती हूँ, आए चले। हम यहाँ से चले जाएंगे, आपको ये बात हमें बार बार बताने की जरूरत नहीं। चले दादी अंदर। आज रात तक जो कुछ मेरे नसीब में था मैंने खा लिया अम्मा, अब थोड़ी देर सोना चाहता हूं। आपको क्या लगता है मैं आपके दिए हुए तोहफों से बहर कर आपका वापस जाना भूल जाऊंगा? नहीं, इन्हें देखकर तुम्हें मेरा वापस आना जरूर याद आएगा। मेरी लाई हुई चीज जब जब तुम पहनोगी मैं तुम्हें याद आऊंगा। तुमने अच्छा नहीं किया मेरे साथ, मैं माफ नहीं करूंगी। मैं चाहता भी नहीं हूं कि तुम मुझे माफ करो। आप क्या कर रहे हैं यहाँ पे? अपने घर में हूं, जो दिल चाहे करूं, कोई रोक सकता है क्या? तुम रोकोगी? हाँ, बल्कि मैं तो कहता हूं कि मेरी हो जाओ, इतना ख्याल रखूंगा ना तुम्हारा, किरायत को भी भूल जाओगी। बहुत भरोसा करती थी सुहेल भैया आप पे। अरे यार कुछ भी कहो अगर ये भैया मत कहो। आपको शर्म नहीं आती? आपको शर्म नहीं आती सबके सामने मुझे बहन बोलते हैं और अकेले में? और अकेले में? अकेले में क्या, हाँ क्या अकेले में, बोलो ना। वैसे मैं तो कहता हूं कि तुम मान लो मेरी बात, अपनी मोहब्बत के साथ इतनी दौलत निछावर करूंगा तुम पे कि सारे दुख भूल जाओगी। सच में सिर्फ एक बार मेरी बन जाओ, फिर देखो क्या होता है। आपको क्या लगता है, क्या समझते हैं खुद को? आपके भाई की धोखेबाजी के बाद मैं आपसे शादी कर लूंगी। शादी? यार ये तुमसे किसने कहा कि मैं तुमसे शादी करूंगा? अरे पगली मैं तो सिर्फ तुम्हारे साथ रिलेशन। बकवास बंद करें। तो क्या शुरू करूं? देखो ये शादी की बात अपने दिमाग से निकाल दो, ये नहीं हो सकता। मेरे पास ऑलरेडी एक इज्जतदार बीवी है जो कि मुझ पे अंधा भरोसा करती है और किसी और की तरफ आंख उठा के नहीं देखती, और अगर वो ना भी होती ना तो ये बात तो मैं जानता हूं कि कमल का फूल सिर्फ कीचड़ में ही हसीन लगता है, होता नहीं है। इसीलिए उसे कीचड़ से निकाल कर
अपने कॉलर पे नहीं सजाते। आप अभी और इसी वक्त यहाँ से चले जाएं, वरना मेरा हाथ उठ जाएगा। और इस बार मेरा हाथ रोकने के लिए ना यहाँ पर आपका भाई मौजूद। यही बात तो मैं तुम्हें समझाना चाहता हूँ कि इस दफा तो तुम्हें बचाने वाला कोई नहीं होगा। तुम क्या करोगी? ज्यादा से ज्यादा मेरी ऑफर ठुकरा कर यहाँ से भाग कर हैदराबाद चली जाओगी, और ये हैदराबाद है कितनी दूर? मैं तुम्हारे पीछे पीछे तुम्हें हासिल करने के लिए हैदराबाद आ जाऊंगा। तुम्हारे पास यही रात है सोचने के लिए जो तुम्हें स्टेशन पे गुजारनी है, वरना चाहो तो परेशान मत हो। किसी भी चीज की जरूरत हो ना मुझे बताना, मैं इंतजार करूंगा। आप फिक्र नहीं करें सोहेल जी, किसी चीज की जरूरत हुई तो आप ही से कहेंगे। बस एक दरख्वास्त थी आपसे, आज रात रुकने की इजाजत दे देते। आप तो जानते हैं कि हमें हैदराबाद जाना है और ट्रेन सुबह ही जाती है। आप बेगम साहिबा से बात कर लेते। फिकर ना करो मेरा बेटा, मैं हूं अभी ज्यादा। समझ में नहीं आया कि अचानक कैसे इंतकाल हो गया। बस जो हुक्म रब्बी, सुना है कि रहमत सोने के लिए गया है, जब उसे जाने के लिए जगाया तो अल्लाह को प्यारा हो चुका था। वैसे निकाह की तो सारी तैयारियां मुकम्मल हो चुकी थी, तो फिर ये लोग जा क्यों रहे थे? क्या बताएं आपको, उनकी बेटी उनकी मर्जी, जहां दिल चाहता ले जाते। आप ऐसा कीजिए कि हाजरा से उसके रूम में जाके मिल ले, वो भी थकी भी आई थी, आराम करने गई है अभी। हाँ, ऐसा ना हो कि वो भी सो जाए, माँ पारा से बहुत लगाव था ना उसे। मैं उससे कमरे में मिल लेती हूँ। जी शैला, मैं कभी सोच भी नहीं सकता था कि ऐसा वक्त भी आएगा। कैसा वक्त? रहमत के इंतकाल पे मैं उसकी बेटी के सर पे हाथ भी नहीं रख सका। बहुत अफसोस हो रहा है आपको, तो अब जाकर हाथ रख दें उसके सर पर। बेटा तर्स खाकर उन्हें रहने की जगह दे आया, और आप जाएं जाकर तसल्लियां दे आएं थोड़ी। देखो, रायत के साथ उसकी दोस्ती बढ़ गई थी, चलो मान लेते, लेकिन सुहेल को वो भाई कहती थी। इतना बड़ा इल्जाम सुहेल पर कैसे लगा सकती है वो? रहने दें आप प्लीज, जितना सोचेंगे ना उतना ही उलझेंगे, फिर तो खुद सर में दर्द हो गया। मेरा ख्याल है कि वो सो गई है, दरवाजा नहीं खोल रही। जी हो सकता है थक गई होगी, तो खैर आए हम चाय पीते हैं जब तक। चल बस शकूर, मेरा तो दिल बहुत खराब हो गया, दिल करता है चली जाऊं कहीं और काम कर लूं। क्या हुआ, इधर देख, इससे अच्छी नौकरी तुझे कहीं मिलेगी? कितना ख्याल करते हैं ये लोग। मैं डर गई हूँ शकूर, माँ पारा को पहले कितना सर पे बिठा के रखा था इन लोगों ने, क्या किया उसके साथ। हाँ, और अगर कभी हम पर भी ऐसा वक्त आ गया तो उसकी हरकत ही ऐसी है ना, वरना तू खुद बता, सुहेल साहब ने कभी नजर उठा के तुझे देखा है या किसी और औरत को यहाँ? और मापारा उसके लिए क्या कुछ नहीं किया, इतना गुस्सा तो बनता है ना उनका। उससे इतना प्यार करते थे, और कल आधी रात तो घर से निकालते वक्त जरा भी रहम नहीं आया इन लोगों को। अरे डरते हैं वो लोग इज्जत से, मापारा पे तरस खा के वो फिर उन्हीं पर दोबारा इल्जाम लगा दे तो।
कह तो तुम बिल्कुल ठीक रहे हो, मापारा भी अपनी सारी हदें भूल गई थी। और देख सोहेल साहब का दिल कितना बड़ा है, इतना कुछ हो जाने के बावजूद भी रहमत के कफन दफन का सारा इंतजाम करवाया। अच्छा शाबाश, जाकर तू अपना काम कर। देखो मापारा जैसी लड़कियों को ना रात गुजारने के लिए घरों की कमी नहीं है, लेकिन हमें तो मेहनत करके ही कमाना है ना। चल शाबाश जा। तुम अभी तक जाग रही हो, मैं समझा तुम सो गई हो, इसीलिए कमरे में नहीं आया। मुझे पता होता कि तुम जाग रही हो तो पहले आ जाता, दरवाजा नहीं खोला तुम्हारी नींद खराब ना हो जाए। बस करते सुहेल, मैंने कोई वजाहत नहीं मांगी। हाँ तुमने वजाहत नहीं मांगी, लेकिन मुझे लगा कि मैं बता दूं। बताने को तो और भी बहुत सी बातें हैं, देर काफी हो चुकी है, आप जाके सो जाए। अभी पूरी रात से जाग रहे हैं आप। जागी हुई तो तुम भी हो सारी रात से। मैं तब उसके जाने के बाद ही सोऊंगी। किसके? वही जिसे आपने रात जाने से रोक लिया। तो तुम नाराज हो? मैं क्यों नाराज होंगी, देर काफी हो चुकी है, आप जाकर सो जाएं। हाजरा मैंने उन्हें रोका नहीं है, रुकने की इजाजत दी, वो भी सिर्फ एक रात के लिए। रहमत चाचा की मां को मैं इनकार नहीं कर सका, उनके बेटे को दफनाने के बाद पहली बार मेरा और उनका आमना सामना हुआ, मैं किस मुंह से उनको इनकार करता। मुझे तरस आ गया। बहुत तरस खाते हैं आप, बहुत हमदर्दी है आपके दिल में लोगों के लिए। अगर कोई तुमसे भी इतनी मेहनतें करता तो तुम भी इनकार नहीं कर पाती। मैंने कहा ना, बहुत हमदर्दी है आपके दिल में। मैं चेंज कर लूं। लो बेटा, बेहोश हो जाओ। अच्छा पानी कुछ खाओ, पियोगी नहीं तो कुछ हो जाएगा बेटा। कुछ नहीं होगा दादी। कैसे कुछ नहीं होगा बेटा, खाओ पियोगी नहीं तो मर जाओगी। मौत तो गैरतमंद लोगों को आती है, पर जिन्हें नहीं आती वो जहर खा के मर जाते। पागल हो गई हो क्या, कैसी बातें कर रही हो? किसने कहा तुम में गैरत नहीं? सुना नहीं अब्बा क्या कह रहे थे? कह रहे थे कि उन्होंने मेरी तरबियत सही नहीं की। वो ये नहीं कह रहा था, वो तो उसके दिल का दुख बोल रहा था। उसको अफसोस था कि वो जो कुछ तुम्हें देना चाहता था वो दे नहीं पाया। नहीं दादी, वो मेरी अच्छी तरबियत करना चाहते थे। उन्हें दुख था कि उन्होंने मेरे गले में पट्टा क्यों नहीं डाला। उन्हें अफसोस था कि उन्होंने मेरे पैर क्यों नहीं बांधे। वो तो ये हसरत ही ले गए दादी कि उन्होंने मेरे मुंह में थप्पड़ क्यों नहीं मारा। बेटा ऐसे नहीं कहते, मैं बताती हूँ कि तुम्हारा बाप क्या चाहता। रहने दे दादी, वो लोग बार बार चाबी मांगने आ रहे हैं, आप जाकर चाबी दें। अच्छा चलो चाबी तो मैं दे दूंगी, लेकिन तुम चलो मेरे साथ मिलने। बेटा तुम्हारी कल के लिए बहुत जरूरी है उनसे आज मिल के जाना। मैं कहीं नहीं जाऊंगी दादी, और ना आप कहीं जाएंगे। वो लोग चाबी मांगने आ रहे हैं, आप उन्हें चाबी दें और कहें कि हम यहां से जा रहे हैं। बस
हमें भी रहमत की मौत का बहुत अफसोस है, लेकिन हम इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकते। रहमत की बेवक्त मौत ने तो हमें एक दुराहे पे खड़ा कर दिया। रहमत तो मरकर मुसीबतों से बच गया, जिंदा रहता तो जिल्लत और ख्वारी का सामना करना पड़ता, और आप कह रही हैं बेवक्त मौत। क्या कह रही हैं बड़ी बेगम? सच कह रही हूँ, एक बाप के लिए मरने का इससे अच्छा वक्त कोई हो ही नहीं सकता था। जानता था ना अपनी बेटी के करतूत। बेटी जैसी तो वो आपकी भी थी, इतने सालों में आपको तो कोई बुराई नजर नहीं आई उसमें। हाँ, ये मेरी कम नजरी थी कि मैं उसे पहचान नहीं सकी, और न जाने उसके लिए क्या कुछ सोच लिया। वरना जिस तरह की ये लड़की है, इसे तो किसी शरीफ घर में भी घुसने ना दिया जाए। मैं तो आपसे मिलने आई थी और पता देने आई थी। आपका दिल शायद बहुत खराब है हमारी तरफ से, लेकिन हमारा दिल बिल्कुल साफ है, हमें कोई शिकायत नहीं है आपसे। अगर कभी आपका गुस्सा कम हो और आप हमें बुलाना चाहें तो ये मेरा हैदराबाद का पता है। मुझे भी आपसे कोई शिकायत नहीं है, लेकिन सिर्फ एक बात कहना चाहती हूँ, ये लड़की जिसके साथ रहेगी ना, उसके सर में खाक ही डलवाएगी। इसलिए बेहतर यह है कि जल्द अज जल्द कोई रिश्ता देखकर इसे फारिग कर दें, वरना फिर कहीं कोई और चांद चढ़ा लिया तो। मुझे अपनी पोती पर पूरा भरोसा है, वो कम अकल जरूर है लेकिन किरदार में कोई झोल नहीं। बस वो मासूम तो अपनी सादगी में मारी गई। अगर आपकी पोती इतनी कम अकल है तो उसे अकेला छोड़कर आप यहाँ क्या कर रही हैं? अगर फिर से उसकी मासूमियत से किसी ने फायदा उठा लिया तो जाएं और जाकर उसकी हिफाजत करें। आप फिक्र ना करें बहू बेगम, वो अकेली नहीं है। सुबह से उसकी एक सहेली आई हुई थी, वरना वो मेरे साथ आती आप लोगों से मिलने। मैं भी बस खुदा हाफिज कहने आई थी और पता देने आई थी। गैरत नाम की तो कोई चीज ही नहीं है। मुझे फोन तो करती, अम्मी ने तुम्हें इतना सब कुछ कह दिया, तुम्हारे आने का भी मुझे सुबह नौकर से पता चला, फिर मैं समझी कि तुम ट्रेन से चली गई होगी। बिलीव मी यार, तुम एक फोन कर देती मुझे, मैं ये सब कुछ नहीं होने देती। वो नहीं है मेरे पास। क्यों? राइद ने तो तुम्हें ना, तुमने राइट को बताया? राइट जानता है ये सब? उसी ने तो अम्मी जी को बताया। क्या बताया? यही कि मैं दुकान पे रखी हुई चीज हूँ, जिसे थोड़े से भाव थाव के बाद खरीदा जा सकता है। पागल हो गई हो? अभी तो ठीक हुई हूँ। नहीं, तुम ठीक नहीं हो। तुम चलो मेरे साथ। मैं ठीक हूँ अस्मा, और इस ठीक होने की मैंने बहुत बड़ी कीमत चुकाई है। अपने बाप को कब्र में उतारा है। क्या बकवास कर रही हो? मुझे राइट का नंबर दो।
मैं बात करती हूँ उससे। नहीं है मेरे पास। फोन कहाँ है तुम्हारा? फोन दो। अम्मी जी के पास। उनके पास क्यों है? मैंने उन्हें हर वो चीज वापस कर दी है जो मेरी कीमत हो सकती है। उन्होंने मुझसे कहा है कि मेरे बेटे ने तुम्हारी कीमत दी है। पुरानी कीमत वापस करके नहीं लेना चाहती हो? तुम हमारा पीछा छोड़ क्यों नहीं देती? कैसी बातें कर रही हैं आप? दफा क्यों नहीं हो जाती यहाँ से? एक लड़के से पेट नहीं भरा जो दूसरे पे घात लगाए बैठी हो। आप हद से आगे बढ़ रही हैं भाभी। उसकी हालत तो देखें आप। अब प्लीज यहाँ से फिलहाल आप चली जाए। इसे पूछो, कल तो आकर बड़ी मिन्नतें करी थी कि मेरे हक में गवाही क्यों नहीं दी, और आज अपनी दादी से पते भिजवा रही है। इस लड़की के अंदर कोई गैर शर्म है? सोहेल शादीशुदा है, बहन भाई के रिश्ते को खेल बनाया हुआ है। लेकिन मियां बीवी के रिश्ते को खेल मत समझना। मेरा शौहर सिर्फ मेरा है और तुम उसे मुझसे नहीं छीन सकती, समझे? मैंने कहा था दुल्हन बेगम कि मैं खुदा हाफिज करने आई, तो खुदा हाफिज हो गया। अब आप जा सकती हैं। यहाँ क्या कर रही? मैं यहाँ क्या कर रही हूँ छोड़े इस बात, और आप अपने बेटे से पूछे कि वो कल क्या कर रहा था मेरे घर पे। तुम्हारे घर? जी मेरे घर पे। मेरे बाप के इस महीने के ड्यूज अभी क्लियर नहीं हुए। एक मिनट, ये लो, ये ड्यूज से भी ज्यादा है, लो। लानत भेजती हूँ मैं आपके दिए हुए पैसे पर, आपके घर पर और आपके छत पर। तो फिर यहाँ क्या कर रही हो? दगा हो जाओ। इन्हें कहने आई हूँ कि दुआ करें कि खुदा मेरी आज से ना सुने, क्योंकि अगर खुदा ने मेरी सुन ली ना तो जिस पैसे पर आप घमंड करती हैं एक एक पाई आपसे छीन लूंगी। कुछ नहीं खरीद सकेंगी आप, ना आप और ना आपका बेटा। ये तुम सब उससे कह रही हो जिसने तुम्हें इस काबिल किया कि तुम चार लोगों में बैठ सको और ढंग से बात कर सको। नहीं, ये बात मैं उनसे कह रही हूँ जिनसे अपने बेटे नहीं संभलते और चलिए दुनिया को सुधारने। ये क्या बकवास कर रही हो तुम? बकवास नहीं कर रहे, लिहाज कर रही थी, लेकिन अब वो भी नहीं करूंगी। और ये जो मेरी दादी आई थी ना यहाँ पर, वो आपके बेटों की हकीकत नहीं जानती थी, लेकिन ये जो आपकी बहू खड़ी है ना, ये जानती है। पूछे अपने बेटों से जो कल मेरे घर आया था और मुझसे कह रहा था कि एहसान फरामोश, उसने सिर्फ तुम्हारी दादी की मन्नत समाजत की वजह से तुम लोगों को यहाँ रहने का वक्त दिया और तुम शेर बनकर आ गई। निकलो, निकलो इसी वक्त मेरे घर से। चलो दादी, मुझे बात करने दे, देर हो रही है, रेल निकल जाएगी। चलो। देख लिया आपने किस लिए आई थी ये? अपने बेटे के ड्यूज देने आई थी। कैसी एहसान फरामोश है, जिस थाली में खाया उसी थाली में ही छेद किया। ऐसे नौकरों की वजह से मालिक नौकर का ख्याल करते हुए घबराते हैं। सही कह रहे हैं आप। ओए तुम लोगों को यहाँ बातें करने के अलावा और कोई काम नहीं है?
चलो जाओ अपना काम करो सब। और तुम्हारा काम तो किचन में है ना, तुम यहाँ क्या कर रही हो? जा रही हूँ, ज्यादा सेट ना बन। यहां से भागकर हैदराबाद चली जाओगी? और ये हैदराबाद है कितनी दूर? मैं तुम्हारे पीछे पीछे तुम्हें हासिल करने के लिए हैदराबाद आ जाऊं। बेटा कुछ नहीं, तुम्हें क्या जरूरत थी बंगले में जाके तमाशा लगाने? और दादी आपको उन्हें हमारा पता देने की क्या जरूरत थी? तुमसे कहा था ना मैंने कि तुम्हारे आने वाले कल के लिए बहुत जरूरी था उनको पता देना। दादी आपको कुछ नहीं पता, मेरे आने वाले कल के लिए उन्हें मेरा पता ना होना जरूरी है। ये ट्रेन स्टेशन तो नहीं है बेटा? हमारा स्टेशन यही है। लेकिन हम तो हैदराबाद जा रहे थे ना। हैदराबाद वो जाएगा जिसके पास वहां का पता है। लेकिन फिर भी हम आए कहाँ पे? कराची है बेटा। कराची तो है लेकिन हम जा कहाँ रहे हैं? मेरे भांजे का घर है। वो आपको जानते हैं? बात सुनो बेटा, ये बताना ये घर कहाँ मिलेगा? आप कौन? सलीम के बेटे हो? सलीम से कहो कि जुलेखा खाला आई। मैं कहता हूं जल्दी बताएं, वो बाहर खड़ी हैं और मुझे देर हो रही है। हाँ, तुम्हारे तो बड़े कारोबार चल रहे हैं ना कि तुम्हें देर हो रही है। ठीक है, मैं जाकर कह देता हूँ कि पता गलत है। अरे रुको, इतने बड़े बनने की कोशिश मत करो तुम। अरे ठीक तो कह रहा है सालार। बेटा जाओ, जाके कह दो गलत पते पर आए। अरे पागल हो गई हो, क्या कहेंगे? खाला है मेरी। लो, सगी तो नहीं है ना, खाला। पता नहीं दुनिया के कौन से कोने से निकल आई है खाला। आप लोगों की बहस खत्म हो जाए ना तो खुद ही बुला लीजिएगा, मैं जा रहा हूं। अरे कहां जा रहे हो तुम?
बुला लो उन्हें अंदर। पक्का? हाँ बुलाओ। मैं जान। अरे जिद मत करो, आ जाओ, बड़ी दूर से आई है, मिल लो, आ जाओ। बड़ी दूर से आई है, मिल लो। चलो आ जाएं, अब्बा अंदर ही हैं, बुलाया आपको। तुम यहाँ क्या कर रही? मैं यहाँ क्या कर रही हूँ छोड़े इस बात, और आप अपने बेटे से पूछें कि वो कल क्या कर रहा था मेरे घर पे। तुम्हारे घर? जी मेरे घर पे। मेरे बाप के इस महीने के ड्यूज अभी क्लियर नहीं हुए। एक मिनट, ये लो, ये ड्यूज से भी ज्यादा है, लो। लानत भेजती हूँ मैं आपके दिए हुए पैसे पर, आपके घर पर और आपके छत पर। तो फिर यहाँ क्या कर रही हो? दबा हो जा। इन्हें कहने आई हूँ कि दुआ करें कि खुदा मेरी आज से ना सुने, क्योंकि अगर खुदा ने मेरी सुन ली ना तो जिस पैसे पर आप घमंड करती हैं, एक पाई आपसे छीनूंगी, कुछ नहीं खरीद सकेंगी आप, ना आप और ना आपका बेटा। ये तुम सब उससे कह रही हो जिसने तुम्हें इस काबिल किया कि तुम चार लोगों में बैठ सको और ढंग से बात कर सको। नहीं, ये बात मैं उनसे कह रही हूँ जिनसे अपने बेटे नहीं संभलते और चलिए दुनिया को सुधारने। ये क्या बकवास कर रही हो तुम? बकवास नहीं कर रही, लिहाज कर रही थी, लेकिन अब वो भी नहीं करूंगी। और ये जो मेरी दादी आई थी ना यहाँ पर, वो आपके बेटों की हकीकत नहीं जानती थी, लेकिन ये जो आपकी बहू खड़ी है ना, ये जानती है। पूछे अपने बेटों से जो कल मेरे घर आया था, मुझसे कह रहा था कि एहसान फरामोश, उसने सिर्फ तुम्हारी दादी की मन्नत समाजत की वजह से तुम लोगों को यहाँ रहने का वक्त दिया और तुम शेर बनकर आ गई। निकलो, निकलो इसी वक्त मेरे घर से। चलो दादी, मुझे बात करने दे, देर हो रही है, रेल निकल जाएगी। देख लिया आपने, किस लिए आई थी ये? अपने बेटे के ड्यूज देने आई थी। कैसी एहसान फरामोश है, जिस थाली में खाया उसी थाली में ही छेद किया। ऐसे नौकरों की वजह से मालिक नौकर का ख्याल करते हुए घबराते हैं। सही कह रहे हैं आप। ओए तुम लोगों को यहाँ बातें करने के अलावा और कोई काम नहीं है? चलो जाओ अपना काम करो सब। और तुम्हारा काम तो किचन में है ना, तुम यहाँ क्या कर रही हो? जा रही हूँ, जा रही हूँ, ज्यादा सेट ना बन। से भागकर हैदराबाद चली जाओगी? और ये हैदराबाद है कितनी दूर? मैं तुम्हारे पीछे पीछे तुम्हें हासिल करने के लिए हैदराबाद आ जाऊंगा। क्या हुआ बेटा? कुछ नहीं। तुम्हें क्या जरूरत थी बंगले में जाके तमाशा लगाने? और दादी आपको उन्हें हमारा पता देने की क्या जरूरत थी? तुमसे कहा था ना मैं कि तुम्हारे आने वाले कल के लिए बहुत जरूरी था उनको पता देना। दादी आपको कुछ नहीं पता, मेरे आने वाले कल के लिए उन्हें मेरा पता ना होना जरूरी है। Thank you.
दादी, ये ट्रेन स्टेशन तो नहीं है? बेटा, हमारा स्टेशन यही है। लेकिन हम तो हैदराबाद जा रहे थे ना? हैदराबाद वो जाएगा जिसके पास वहां का पता है। लेकिन फिर भी हम आए कहाँ पे? कराची है बेटा। कराची तो है, लेकिन हम जा कहाँ रहे हैं? मेरे भांजे का घर है। वो आपको जानते हैं? बात सुनो बेटा, ये बताना ये घर कहाँ मिलेगा? आप कौन? तुम सलीम के बेटे हो? सलीम से कहो कि जुलेखा खाला आई। मैं कहता हूं। जल्दी बताएं, वो बाहर खड़ी हैं और मुझे देर हो रही है। हाँ, तुम्हारे तो बड़े कारोबार चल रहे हैं ना कि तुम्हें देर हो रही है। ठीक है, मैं जाकर कह देता हूँ कि पता गलत है। अरे रुको, इतने बड़े बनने की कोशिश मत करो तुम। अरे ठीक तो कह रहा है सालार। बेटा जाओ, जाके कह दो गलत पते पर आए। अरे पागल हो गई हो क्या? कहेंगे खाला है मेरी। लो, सगी तो नहीं है ना खाला? पता नहीं दुनिया के कौन से कोने से निकल आई है खाला। आप लोगों की बहस खत्म हो जाए ना तो खुद ही बुला लीजिएगा, मैं जा रहा हूं। अरे कहां जा रहे हो तुम? वो बुला लो उन्हें अंदर। पक्का? हां बुलाओ। मैं जान। अरे जिद मत करो, आ जाओ। बड़ी दूर से आई है, मिल लो। आ जाओ। बड़ी दूर से आई है, मिल लो। चलो। आ जाएं, अब्बा अंदर ही हैं, बुलाया आपको। मैं उठा लेता हूं। असल में उसने आपको पहचाना नहीं, पहचान जाता तो यूं दरवाजे पे खड़ा ना रखता। हाँ, मैं भी यही सोच रही थी कि शायद बच्चे ने पहचाना नहीं है। कभी पहले देखा होता तो पहचानता ना। अपने बेटे की जिंदगी में तो आपने कभी शक्ल नहीं दिखाई, और उनके मरने की इतला देना आपने मुनासिब नहीं समझा। बस क्या बताऊं शकीला, उसकी तो इस कदर नागहानी मौत हुई। तुम्हारा नंबर भी तो नहीं था मेरे पास। होश में कहां थे हम जो सबको इतला करते? आप आना जाना रखती तो फोन नंबर भी होता और पता भी। आज भी तो आखिर पता मिल गया ना आपको? नहीं, तुम्हारा पता तो मैंने कल ही जरीना को फोन करके लिया है, और वाकई आने जाने का इत्तेफाक भी नहीं हुआ, ना ही तुमने बुलाया कि मेरे पांव यहां पड़ते। अब खैर ये तो ना कहें कि बुलाया नहीं। कोई आना चाहे ना तो बुलाओ ना बुलाओ वो पहुंच जाता है। आखिर आज भी तो आप बिन बुलाए पहुंच गई ना, पहले भी आ सकती थी। शकीला, सारे गिले शिकवे क्या आज ही करोगी? मेहमान आए हैं, कुछ चाय पानी का बंदोबस्त करो। अरे मेहमान कैसे भाई? मेहमान एक दिन के होते हैं, दो दिन के होते हैं, ये तो रहने के लिए आई हैं। बेटा जाओ जरा जाके ना
किचन में चाय बना लो, मैं खुद बना लेती लेकिन मेरे पैर में दर्द है, चल भी नहीं सकती, वहां खड़ी नहीं हो सकूंगी, जाओ। अरे शकीला अभी आई है बच्ची, खुद चली जाओ। अरे तो कौन सा एक दो दिन के लिए आई है? क्यों खाला, ठीक कह रही हूँ ना मैं? जाओ बेटा, सलीम चाचा के साथ जाकर चाय बनवा लो। चलो बेटा। बात सुनो बेटा, इधर आ, जरा ना चीनी पत्ती पे और दूध पे हाथ जरा बेटा हल्का रखना। अभी तुम्हारे बंगले की नौकरी वाला घर तो है नहीं कि जहां खुला सामान आता हो, लपेट के कुछ भी घर ले गए, मालिकों को पता ही नहीं चला। ठीक है, चलो जाओ शाम। और बताओ सलीम का काम वाम कैसा चल रहा है? सलीम का काम आए, हम बाहर बैठते हैं हवा में, वहीं बातें करते हैं, आ जाइए। बात सुनो, अरे लड़की तुमसे बात कर रहा हूं, सुनो मेरी बात सुनो, रुको, मैं बात कर रहा हूं ना। क्या नाम क्या है तुम्हारा, और वो अंदर किचन में क्या कर रही थी? ये लड़की क्या, मसला क्या है तुम्हारा, बहरी हो? माँ पारा नाम है मेरा, ओए लड़की ने, और मेरा ख्याल है आप देख सकते हैं कि मैं चाय बनाने आई थी। हाँ देख रहा हूँ मैं, वैसे तुम तो यहाँ मेहमान हो ना, या तुम्हें घर के काम के लिए बुलवाया? इस बात का जवाब आपकी वालदा के पास है, उनसे पूछेगा जरूर। एक्सक्यूज मी, चाय तो अच्छी बनाई है आप पारा। ये कौन सा वक्त है डस्टिंग करने का, जाओ जाके हाजरा को बुलाओ। जी जाओ। और सुनो ये टॉवल हैंग कर देना वॉशरूम में। क्या हो रहा है? कुछ नहीं भाभी, मैं तो डस्टिंग। क्या कुछ नहीं, मेरी गैर मौजूदगी में मेरे कमरे में क्या कर रही हो? भाभी मैं तो डस्टिंग करने आई थी, तो अब सुहेल भाई ने कहा बाद में कर लेना। खबरदार, ये भाई भाभी का खेल खेलना बंद करो, और मेरी गैर मौजूदगी में आज क्या मेरे कमरे में मत आना। हाजरा क्या हो गया, क्या कर रही हो, किस तरह बात कर रही हो? आप मुझसे सवाल करेंगे? माँ बारह के वक्त जो कुछ हुआ भूल गए? क्या हो गया, क्या कह रही हो उसके सामने? ये सवाल तो मुझे पूछना चाहिए कि क्या हो रहा है, और अब कौन सा नया खेल खेलने की तैयारी हो रही है, और तुम अभी तो गई नहीं, जाओ यहाँ से। सुहेल, सुहेल, ये तो मॉम की आवाज है। सुहेल मॉम, क्या हुआ? सुहेल रायत। क्या हुआ रायत, आपकी बात हुई रायत से? वो उसे हमारे कमरे ब्रेन हेमरेज हुआ है, वो हॉस्पिटलाइज्ड है वहां। क्या, कैसे, कैसे हुए ये सब, और आपकी किससे बात हुई? मुझे फहद की कॉल आई थी, उसने बताया। मगर राहत तो आपको कॉल कर रहा था। राहत के फोन से फहद ने कॉल की थी, वो कॉल कर रहा था, हमें इन्फॉर्म करना चाहता था कि राहत को ब्रेन हेमरेज हुआ है, वो हॉस्पिटलाइज्ड है। डैड, डैड कहाँ है, डैड को मालूम है? वो टिकट बुक करा रहे।
प्लीज उन्हें कहो सुहेल मुझे साथ ले जाए, मैं देखना चाहती हूँ अपने बच्चे को। मॉम आप बैठे हैं, आप बैठे हैं, परेशान ना संभालो, मैं देखता हूँ, मैं करता हूँ। हमें जी राय तो कुछ नहीं होगा, इस मापारा ने तो जुल्म किया है पर हमारे खानदान का बेड़ा गर्क कर दिया इस लड़की ने। फिक्र मत करें, ठीक हो जाएगा। बिला वजह लोग कहते हैं कि कराची में पानी की कमी है। बातें बंद करो और खाना खाओ। खाना शुरू करें ना, खाना खाएं। तुम क्या करते हो बेटा? बस दादी शुक्र सबर करता हूँ। कुछ नहीं करता, बस वक्त जाया कर रहा है। कुछ ना कुछ कर लेगा बेटा, तुम अपने साथ क्यों नहीं लगा लेते? अपने साथ खुद कुछ करेंगे तो अपने साथ लगाएंगे ना। 12 साल से मैं अकेली औरत कमा रही हूं और इस घर को संभाल रही हूं। पानी दूं तुम्हें? नहीं, इतना सारा है ना इसमें, यहीं से पी लेता हूं। करना कराना है कुछ नहीं, और नवाबजादे के नखरे नहीं पूरे होते। पढ़ रहे अभी मेरा बेटा? हाँ, पढ़ पढ़ के 2 साल से फेल हो रहा है। कहा भी है कि सीए का इम्तिहान पास करना ऐसे निकम्मों के बस की बात नहीं है। हाँ, और आपने तो जैसे टॉप कर करके डिग्रियों के ढेर लगा रखे हैं, है ना? आप खुद क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं आप? निकम्मे आप, हाथ पे हाथ धर के बैठे, 1 रुपया कमा के नहीं दिया, ऊपर से बातें करते हैं और रिश्तेदारों का भी ढेर लगा रखा है घर में। देख क्या रहे हो? रोटी दो। क्या सोच रही हो बेटा? सो जा। दादी शकीला चाची को हमारा यहाँ रहना पसंद नहीं है। आज दूसरा दिन है वो हमसे तंग आ चुके हैं। ऐसे कैसे जबरदस्ती हम उनके सर पे पड़े रहे? बेटा इसके अलावा हमारे पास कोई चारा भी तो नहीं है, ना ही कोई ठिकाना है। क्यों नहीं है? इतनी बड़ी दुनिया है, हमारे लिए कोई ना कोई जगह तो निकल ही आएगी ना। बेटा ना हमारे पास पैसे हैं और ना ही किसी मर्द का साथ, कैसे हिफाजत करूंगी तुम्हारी? और ये जो बाहर दुनिया है ना, इसमें जो भेड़िए फिर रहे हैं, कैसे बचाऊंगी तुम्हें उनसे? एक बात पूछूं दादी आपसे? हाँ पूछो। जब हम यहाँ पर आ रहे थे तो आपने अम्मी जी को हैदराबाद का पता क्यों दिया था? तुम्हें पता है माँ पारा, तुम्हारे बाप का जनाजा लेकर हम उसी घर में वापस क्यों गए थे? तो और कहाँ जाते दादी? इतने सारे खैराती इदारे, हम किसी से भी कह सकते थे कि वो उसकी तदफीन कर दे, लेकिन हम वहीं पर क्यों गए? हमारी जिल्लत खींच के ले गई होगी वहां पे। नहीं, अल्लाह तुम्हारी हिफाजत करना चाहता है। किससे? सुहेल से। तुम जानती हो सुहेल ने शकूर को हमारे पीछे स्टेशन भेजा था। क्यों? क्योंकि वो जानना चाहते थे कि हम जा कहां रहे हैं। अच्छा, तो इसीलिए शकूर स्टेशन पे था? मुझे लगा उसका वहां होना इत्तेफाक है।
इत्तेफाक कुछ नहीं होता मां पारा, ये सब उनकी चाल थी। हम जहां भी जाते ना, सुहेल किसी ना किसी को हमारे पीछे जरूर भेजता। तो क्या आप नहीं भेजा होगा? नहीं। क्यों? क्योंकि अब उसे तुम्हारा पता मालूम करने की जरूरत ही नहीं। मैं तो खुद हैदराबाद का पता देकर आई हूं उन्हें। आपको कैसे पता चला दादी कि वो ऐसा करेंगे? तुमने ही तो कहा था कि सुहेल ने तुम्हारे साथ। लेकिन मेरी बात पे तो किसी ने भी यकीन नहीं किया था, सब मुझे ही गलत कह रहे थे। कहने को तो काफिर भी कहता है कि खुदा नहीं है, तो क्या हम मान लेंगे कि वो है या नहीं? आपको तो मुझसे हमेशा शिकायत रहती थी, फिर इतना भरोसा कैसे हो गया? मैं जानती हूँ कि मेरी माँ पारा बदजबान है, बदतमीज है, लेकिन बदकिरदार नहीं है, झूठी नहीं है। लेकिन अब्बा, उन्होंने मेरे गुनाह के इल्जाम में खुद को मौत की सजा सुना दी। दादी, क्या उनको मुझ पे थोड़ा सा भी एतबार नहीं था? तुम्हारा बाप तुम्हें गलत समझकर नहीं मरा माँ पारा। तो फिर वो क्यों चले गए दादी? वो चाहता था तुम मजबूत बनो। वो आंसू नहीं देख सकता था तुम्हारी आंखों में, वो तुम्हें जीता हुआ देखना चाहता था। तो वो मुझसे कह सकते थे ना ये बात? तुम्हारी सबसे बड़ी बुराई ये है माँ पारा कि तुम कहा हुआ नहीं मानती, तुम्हें करके दिखाना पड़ता है। दादी, तुमको मजबूत बनाने के लिए रहमत ने अपनी मौत को गले लगा लिया। वो तुम्हें बहुत बुलंदी पर देखना चाहता है माँ पारा। अपनी लाश पे पांव रखवा के? नहीं दादी, वो मेरे होने से शर्मिंदा थे, वो अपनी तरबियत में शर्मिंदा थे। तुम्हारे नाम एक खत दिया था उसने। कौन सा खत? दे दूंगी, लेकिन सही वक्त आने पर दूंगी। दादी, मुझे अभी चाहिए। मैंने कहा ना कि सही वक्त आने दो, मैं तुम्हें दूंगी वो खत। आज सो जाओ, सो जाओ बेटा। सो जाओ बेटा। मम्मी जी, फोन आ जाएगा, आप बिला वजह परेशान हो रही हैं। इतनी देर हो गई, कब से इंतजार कर रही हूं। हाँ, हेलो, वो राहित कैसे? ठीक है, सो रहा है। राहित, राहित। शाला, क्या हो गया तुम्हें? डॉक्टर ने मेडिसिन दी है, गनूदगी में। आप इसे अपने साथ ले आए, फौरन। मैं नहीं रह सकती राहित के बगैर। शाला, अभी ये अंडर सुपरविजन है, जैसे इसकी तबीयत ठीक होगी तो मैं इसे अपने साथ ले आऊं। अच्छा, तो फिर मुझे अपने पास आने दें प्लीज। अरे नहीं नहीं, अभी नहीं। मैंने कहा है ना तुम्हें कि जैसे ही इसकी तबीयत ठीक होगी मैं खुद ले आऊंगा इसे पाकिस्तान। ये जाग गया ना, मुझे बात करनी है इससे। बात कराए मेरी। क्या हो गया तुम्हें शैला, समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रही? अरे डॉक्टर ने मेडिसिन दी है, वो ये कह रहा था कि मेंटल स्ट्रेस बहुत ज्यादा है, जितनी देर ये आराम करेगा इसके लिए बेहतर है, इसे आराम कर दे तो प्लीज। शैला, मैं तुम्हें बाद में फोन करूंगा, मेरी आवाज से जाग जाएगा। नहीं नहीं, बात सुने। परेशान मत करो प्लीज। खुदा हाफिज। देखो, फोन ही बंद कर दिया। पता नहीं मम्मी जी, कहते हैं कि सात समंदर पार करने से तो कोई भी जादू उतर जाता है,
आखिर राइट पर किसने कौन सा जादू पढ़कर फूंक दिया कि उसे होश ही नहीं आ रहा? नहीं हजरा, जादू नहीं है, उस डायन की नजर लगी है मेरे बेटे को। क्या कर रही हो तुम? दिख नहीं रहा क्या कर रही हो? दिख रहा है इसीलिए तो पूछ रहा हूँ कि किचन को ताला क्यों लगा रही हो? अभी तो किसी ने नाश्ता भी नहीं किया। सलार के कमरे में नाश्ता रखा है तुम्हारे लिए भी, जाके वहीं कर लो आराम से। और बाकी सब खाला भी और अच्छा तो ये कहो ना, खाला भी की फिक्र है, छोड़ दूं मैं किचन खुला ताकि तुम्हारे रिश्तेदार यहाँ लंगर समझ के खूब मौजे उड़ाते रहे। हटो, देर हो रही है मुझे। अब्बा के कहने से भी नहीं खाओगी? खा लो बेटा, खाने की इस तरह बेहरुमती नहीं करते, मुंह खोलो। जब तक अब्बा मुझे वो सोने का सेट बनाने के पैसे नहीं देंगे ना, मैं खाना नहीं खाऊंगी। वो पैसे तो मैंने तुम्हारे एडमिशन के लिए रखे हैं। पहले कौन सी आप फीस भरते हैं, अम्मी जी भरती है ना, इस बार भी वो भर देंगे। मना कर दिया है उन्होंने, वो कहती है मापारा बड़ी हो गई है, अब मैं उसकी शादी का सोचूं। हाँ तो ठीक कह रही थी, सोचे ना। बेहयाई देखो जरा, कैसी अपनी शादी के बाद पे मुंह खोल रही? तो मुंह खोल के ही बात करते हैं ना, मुंह बंद करके कौन बात करता है? अच्छा, जैसे मुंह खोल के शादी की बात की है ना, वैसे ही मुंह खोल के खाना खा लो। नहीं। अच्छा ब्रोस्ट लाऊं? नहीं। जिंगर खाओगी? जब तक आप मुझे लाख रुपए नहीं देंगे ना वो सेट बनवाने के लिए, मैं खाना नहीं खाऊंगी। अगर मैं ना दूं तो मैं फिर कभी भी खाना नहीं खाऊंगी। ठीक है अम्मा, मुझे जहर ला दे ताकि मैं वो खाऊं और मर जाऊं। क्या हो गया रहमत, कैसी बातें कर रहे हो? अब ये मेरे हाथ से खाना नहीं खाएगी तो मैं जहर खा के मर जाऊंगा ना। अच्छा खाओ खाना, क्या बाप को जहर खिलाओगी? खा ले जहर, मुझे नहीं पता, मुझे वो सेट चाहिए वरना मैं जहर खा लूंगी। अच्छा बाबा, जो लेना है ले ले, अब खाना तो खा लो। पक्का? नहीं कच्चा। अच्छा अच्छा पक्का पक्का, खाना खाओ, ये पहले ये खाओ। अब आप भी खाए ना। खिलाओ अपनी लाडली को। और खिलाए ना, भूख लग रही है। क्या हुआ, क्या सोच रही हो? कुछ नहीं। सुनो, वो एक्चुअली अम्मी की आदत है, बोलती रहती है। गवर्नमेंट टीचर है ना, इसलिए जरा सी कंजूस है, प्लीज माइंड मत करना।
तुम क्यों ऊपर आ गई? मैं तो खुद नीचे आ रही थी। दादी क्या हुआ? अब बैठ क्यों गई? नाश्ता वाश्ता नहीं करना है क्या? मैं सोच रही दादी नौकरी कर लूं। नौकरी? लेकिन क्यों? हमारा खर्चा निकल आएगा थोड़ा सा, और सलीम चाचा लोग भी कोई बहुत अमीर लोग नहीं है, बड़ी मुश्किल से गुजर बसर कर रहे हैं, ऊपर से हमारा बोझ भी उठाना पड़ रहा है, उन्हें मुश्किल हो रही है। किसी ने कुछ कहा है क्या? इतना कुछ हम सुनकर आए, उसके बाद किसी के कुछ कहने का इंतजार क्यों करें? क्या बात है महापारा? कोई बात नहीं है दादी, मैं बस नौकरी करना चाहती हूँ। अगर हमें इस घर में रहना है तो खर्चे में हिस्सा देना होगा। लेकिन मैं तुम्हें घर से बाहर जाने की इजाजत नहीं दे सकती। मैं कैसे अपनी नजरों से दूर भेज दूं तुमको? क्यों, रात में तो आप कह रही थी कि आपको मुझ पर भरोसा है, अब क्या हुआ? तुम पर भरोसा है बेटा, लेकिन ये दुनिया बहुत बुरी है और तुम बहुत बेवकूफ। दुनिया बुरी नहीं है दादी, हम इस दुनिया को बुरा करने की दावत देते हैं, वरना ये दुनिया तो हम जैसी है, बल्कि हमसे भी ज्यादा बेवकूफ। इसी दुनिया से तो धोखा खाकर आई हो तुम। वो दुनिया नहीं थी, वो जादूगर था, इसने अपने शहर में ले लिया था मुझे। लेकिन अब उस तिलिस्मी पिंजरे को तोड़ आई हूं मैं, अब कोई मुझे अपने शहर में नहीं ले सकता दादी। आप बस मुझे नौकरी की इजाजत दे दे। हम उनके भी मां पर, ऐसा नहीं हो सकता। आप तो कहती थी कि अब्बा मुझे हमेशा मजबूत देखना चाहते थे। मैं भी तुम्हें मजबूत देखना चाहती हूँ। यूं दूसरों के टुकड़ों पर पलकर कब तक हम दूसरों के बख्शी हुए चाय और पापे पर गुजारा करेंगे दादी? अच्छा मुझे बताओ, किसी ने कुछ कहा है क्या? किसी ने कुछ नहीं कहा, मैं आपसे कह रही हूँ कि मैं खुद नौकरी करना चाहती हूँ, और अगर आपने मुझे नौकरी की इजाजत नहीं दी ना, तो आप इसी वक्त यहां से चलेंगे। मुझे भूख लग रही है, जल्दी से नाश्ता दे, मुझे जैम और ब्रेड खाना। तुम्हारी ये जैम ब्रेड वाली आदत नहीं छोटी, इतनी बड़ी हो गई हो। मॉम क्या हुआ? पानी पी? कुछ खाया नहीं जा रहा, पता नहीं हालत में अटक रहा है। मॉम आप बिला वजह राइत के लिए परेशान हो रही हैं। आपको पता है डैड ने फोन करके बताया था ना कि वो राइत बिल्कुल ठीक है, और वो आपको इस हालत में देखेगा उसे कैसा लगेगा? नहीं, मैं उसे देख लूंगी तो फिर मुझे तसल्ली हो जाएगी, फिर मैं खा लूंगी, मुझे पता है उसने कुछ नहीं खाया होगा। मम्मी जी वो बिल्कुल ठीक होगा इंशाल्लाह, आप फोन करेंगी ना तो उसने खा भी लिया होगा। आप बिला वजह परेशान हो रही हैं। नहीं खाया होगा ना, तभी तो मेरे हलक में अटक रहा है, पता है मुझे। मॉम हम रायत को खुद कॉल कर लेंगे, लेकिन उससे पहले आप कुछ खा तो लें, फ्रेश हो जाएं। रायद आपको इस हालत में देखेगा उसे कैसा लगेगा? प्लीज मॉम।
नौकरी? वो पहले भी करती थी क्या? नहीं, उसने तो हमेशा खर्च किया। कमाने की जरूरत तो अब पड़ी। लेकिन अब भी ऐसी क्या जरूरत आन पड़ी है? जवान बच्ची है, कोई अच्छा सा लड़का देखें और शादी वादी करवा दें। हाँ सलीम, मैं भी यही सोच रही, उसकी शादी कर दूं। लेकिन शादी भी तो पैसों के बगैर नहीं होती। खाली लड़की कौन लेकर जाता है आजकल? कोई तो अल्लाह का बंदा होगा जो एक शरबत पे निकाह पढ़वा ले। आप क्यों अल्लाह के बंदों का इम्तिहान लेने पर तुली हुई हैं? दूसरों की नेकियां गिनने की बजाय आप खुद देख का इंतजाम कर लेना। और वैसे भी आजकल तकरीब में बिरयानी ना हो तो लोगों को मजा नहीं आता, और आप दुल्हे को शरबत पर टरखा रही हैं। जाओ यहां से, पहली परेशान है। परेशान इसलिए कि उनके पास खाने को नहीं। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है सालार, बड़ों से बात करने की तमीज नहीं रही तुम्हें। अरे वो मेरी खाला हैं और उस रिश्ते से तुम्हारी दादी लगती हैं, और तुम उन्हें खाने का ताना दे रहे हो। अरे दादी लगती हैं इसीलिए मुफ्त मशवरा दे रहा हूं, और आप मुझे बदतमीज कह रहे हैं। दादी आपको पता है बाहर के ममालिक में इसको करियर काउंसलिंग कहते हैं, बहुत सारे पैसे मिलते हैं। मेरा टैलेंट तो यहाँ जाया हो रहा है। एक परेशान शख्स को मजीद परेशान करना टैलेंट है ना तुम्हारा, अपने पास ही रखो इसे। बात सुने दादी, लड़कियों को पढ़ा लिखा कर घर में बिठाने का क्या फायदा, जब वो वक्त आने पर दो चार पैसे ना कमा सके, अपने पैरों पर खड़ी ना हो सके, फिर बेजुबान जानवर और लड़की में क्या फर्क हो? आप उसे सब्र करना ना सिखा, बल्कि मेहनत करना सिखा। तो नजरें झुकाकर किसी का खाना ना पड़े, सर उठाकर अपना खर्च करना सिखा। मैं अपनी बेटी को बड़ी चादर लेना क्यों ना सिखाऊं, ताकि उसे कभी पांव सुकेड़ने की जरूरत ही ना पड़े।